तहरीक इंसाफ के रोपोस्ट रहनुमा गिरफ्तारी से बाल बाल बच गए। पुलिस छापे से कबल फरार होने में कामयाब हो गए। भागने में किसने मदद की, सहूलतकारी पर कौन पकड़ा गया, सीनियर सहाफी ने कहानी से पर्दा उठा दिया। चंद रोज पहले पीटीआई के रोपोश रहनुमा मुराद सईद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूदगी की इत्तला पर पेशावर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन मुराद सईद वहां से भाग निकले। पुलिस ने मुराद सईद को फरार कराने में मुलाविस रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मुराद सईद की मुखबरी किसने दी, एंकर जावेद चौधरी ने अंदरूनी कहानी सुना दी। बताया कि हफ्ते को पुलिस को इत्तला आई कि मुराद सईद अपने ससुराल आए हैं, जहां के फोन पहले ही टैप हो रहे थे। जावेद चौधरी ने दावा किया कि पेशावर के इलाके नासिरबाग के एसएचओ इमरान उद्दीन ने मुराद सईद के छापे के लिए खबर दी, जिस पर मुराद सईद वहां से बिरादर निस्बती की मजाहमत के बायस फरार हो गए। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि मुराद सईद जहां जाते हैं उनको ट्रेस कर लिया जाता है और आज नहीं तो कल उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका भी नहीं दिया जाएगा और ऐसा सलूक होगा जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि मुराद सईद का लैपटॉप पुलिस के हाथ लग गया है और इससे अहम मालूमात हासिल कर ली गई है, जबकि मुराद सईद की सहूलतकारी करने वालों से भी हिसाब लिया जाएगा।